Hello friends, welcome to my channel that is all about literature. So in this video we will discuss a poem, The Bard, a Pindaric Ode by Thomas Gray. The bard means poet. Article the is used here that means particular poet or a bard that is related to this poem. Pindaric Ode is a poem used by Pindar. It has series of triads which has strophe, antistrophe and epode. Strophe and antistrophe have same stanza form and epode has different form. Now come to some facts about this poem is that this poem was started in 1755 and after completing two-third work of this work, Thomas Gray faced writer's block. Writer's block is a term that means new ideas or imagination is completely blocked out in writer's mind. So after completing 2 years in 1757, Thomas Gray completed this poem. And this poem has three parts. This poem is a historical poem that shows history of Wales. It is set at the time of conquest of Edward the First in 1282. Edward First was the last Welsh prince. He invaded the kingdom of Griffith. Here in this poem, Thomas Gray shows the cruelty of Edward First, because Edward First ordered all the bards to be put to death because they encouraged the nation to rebellion. Edward First ki thinking ye thi ki jo poet hote hain, writer hote hain, they are like wo logo ko encourage karte hain king ke against jane ke liye. To is wajah se usne sab ka murder karwa diya tha. This poem is inspired partly by his researches, means Thomas Gray's researches into medieval history and literature, partly by his discovery of Welsh harp music. I hope you understood these things. Now the first stanza started with cursing the king, means a poet is cursing to the king. So yahan pe jo thing hai, कैसे स्टार्ट होती है उसका बैकग्राउंड ये है कि जब एडवर्ड फर्स्ट की जो आर्मी है मार्चेज अलोंग द स्लोप्स ऑफ द स्नोडोनियन माउंटेन्स नियर टू द रिवर कॉनवे दे एनकाउंटर अ वेल्स बार्ड हु कर्सेस द किंग. सो नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन इज दैट यहाँ पे जो पोएट है जो बाई चांस या लकीली बच गया था वेल्स का जो पोएट था मर्डर होने से, तो वो क्या करता, कर्स कर रहा है लाइक रून सीज दी रूथलेस किंग, मींस तुम रून हो जाओ, बर्बाद हो जाओ. रूथलेस मींस क्रूअल किंग. कन्फ्यूजन ऑन दाई बैनर्स वेट मींस बहुत ज़्यादा ही तुम कन्फ्यूजन में रहोगे, तुम बहुत ज़्यादा ही सैड रहोगे. ऑन दाई बैनर्स वेट, बैनर मीन्स जो तुम्हारा फ्लैग है, मीन्स हर एक किंग का एक अलग से फ्लैग होता है जो शो करता है कि वो किस क्लैन से, किस पावरफुल किंगडम से बिलोंग करता है. तो वो तुम क्या करते रह जाओगे, वेट करते रह जाओगे उस कॉन्क्वेस्ट का, उस इन्वेडिंग का. दो फेंट बाय कॉन्क्वेस्ट क्रिम्सन किंग. तो यहाँ पे फेंट का मतलब तुम्हारा जो घमंड है, तुम्हारी जो झूठी शान है, किसके द्वारा, कॉन्क्वेस्ट, तुमने जो जीता है, तुमने जो इन्वेड किए हैं किंगडम्स, वो क्या हो है, क्रिम्सन विंग. क्रिम्सन का मतलब होता है रेड कलर. रेड का मतलब होता है सिम्बोलाइज कर रहा ब्लड से, जो इनोसेंट लोगों का ब्लड है, तुमने जो मास किलिंग की है उससे, तुमने जो कॉन्क्वेस्ट किया है, इन्वेड किया है उनको, वो क्या है, तुम्हारा एक झूठा सा दिखावा है, एक प्राउड है जो जो क्या है, झूठा है सब कुछ.
दे मोक द एयर विद आइडल स्टेट। ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें सब झूठी चीज़ें तुम्हारा क्या कर रही हो, मजाक बना रही हो, मोक हो उस आइडल स्टेट में जहाँ पे कुछ भी सच्चाई नहीं है, सब कुछ क्या है, इमेजनरी है जो एक झटके में ही ख़त्म हो सकता है, लाइक दैट। हेल्म नोर ह्यूब्रिक्स ट्विस्टेड मेल मीन्स हेल्प मतलब तुम्हारा जो रूल है, तुम्हारा जो शासन कर रहे हो तुम। नोर ह्यूब्रिक, ह्यूब्रिक मीन्स जो तुम्हारा कवच है, जो तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखता है। लाइक किंग्स जब फाइट के लिए जाते थे तो वो जो आयरन का जो पूरा का पूरा उन्होंने ड्रेस पहनी हुई होती थी, वी कैन से लाइक दैट, दैट इज़ ह्यूब्रिक। ट्विस्टेड मतलब जो फोर्स है, जिसमें पावर है मेल। नोर इवन दाई वर्च्यू, ना ही तुम्हारे जो गुण हैं वो, या फिर तुम्हारी जो टायरेंट मतलब तुम्हारी जो तानाशाही है, तुम तानाशाही सेल अवेल मतलब वो तुम्हें कोई हेल्प नहीं करेगा, तुम्हें बर्बाद होने से, तुम्हें र्यून होने से कोई भी नहीं बचा सकता। क्या बचा सकता है वो है टू सेव के अलावा, उसके अलावा और कुछ नहीं बचा सकता। किसके अलावा? तुम्हारे सीक्रेट सोल के अलावा, जो तुम्हारी अंतर आत्मा है, जो क्या है, जिसके अंदर क्या है, फियर है, नाइटली फियर, जो डरी हुई है किससे, फ्रॉम कैम्ब्रियाज कर्स। कैम्ब्रिया ओल्ड नेम है वेल्स का, जो कैम्ब्रिया कर्स मीन्स जो इनोसेंट लोग हैं जिनका तुमने मर्डर किया था, वो लोग तुम्हें कर्स कर रहे हैं, उससे तुम्हारी जो सोल है वो क्या है, डरी हुई है। फ्रॉम कैम्ब्रियाज टीयर्स, वो इनोसेंट चाइल्ड वेमेन और वो लोग, वो उनके आँख जो आंसू बहे थे उनसे क्या है, तुम्हें तुम्हें बहुत बेचैनी है, तुम बहुत डरे हुए हो और तुम ऐसे ही रहोगे और तुम क्या हो जाओगे, र्यून हो जाओगे। लाइक दैट द पोएट इज़ कर्सिंग द किंग। सच वर द साउंड्स, और वो जो साउंड्स तुम, उनकी जो पुकार है, वो जो चिल्ला रहे थे, क्राई कर रहे थे, उनकी जो साउंड है वो तुम्हें सुनाई दे रही होगी। दैट ओवर द क्रेस्टेड प्राइड, वो क्या है, वो जो तुम्हारा जो प्राइड है, प्राइड क्रेस्टेड का मतलब होता है एक सिंबल होता है जिसको हम बोल सकते हैं कुल चिन्ह। पहले जो किंग होते थे उनका पर्टिकुलर एक सिंबल होता था हर एक क्लैन का। लाइक अगर हम बात करें जो सम्राट अशोका थे, उनका एक सिंबल था, वो क्या था, वो सत्यमेव जयते का, जिसमें लॉयन फोर जो लॉयन रहते हैं वो एक पिलर है, वो क्या है, वो क्रेस्टेड है। सो इस तरीके का जो तुम्हारा एडवर्ड फर्स्ट, तो जो तुम्हारा जो क्रेस्टेड है मतलब जो तुम्हारे क्लैन का जो चिन्ह है, उससे भी बढ़ के क्या है, वो साउंड तुम्हें सुनाई दे रहा होगा जो तुम्हें क्या कर देगा, र्यून कर देगा। सॉरी। ऑफ द फर्स्ट एडवर्ड स्कैटर्ड वाइल्ड डिसमे, वो जो प्राइड है किसकी है, वो एडवर्ड फर्स्ट की है। स्कैटर्ड मतलब फैल गई, उससे भी ज़्यादा क्या है, वो साउंड तुम्हें सुनाई दे रही है, वो हर जगह फैली हुई है। वाइल्ड डिसमे, जिसमें क्या है, ओनली डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है। एज डाउन द स्टेप ऑफ स्नोडॉन्स शेगी साइड, जैसे ही क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी जो आर्मी है कहाँ जा रही, स्नोडोन मतलब एक माउंटेन है वेल्स में, शेगी का मतलब है कवर्ड है, वो किससे, ग्रीनरी से या फिर प्लांट से। स्टीप मतलब जो ढलान है नीचे की तरफ, वहाँ से जो तुम जाते हो इन्वेड करने के लिए, तो तुम्हें वो साउंड सुनाई दे रहा होगा। यू मस्ट हर्ड दोज थिंग्स। ही वुंड विद टोल सम मार्च हिज लॉन्ग एरे, एडवर्ड फर्स्ट जब जिसने इन्वेड किया था, कॉन्क्वेस्ट किया, वो क्या हो गया, वुंडेड हो गया, मतलब उसको इंजरी हो गई। विद टोल सम मतलब हार्ड वर्क, जो बहुत हार्ड वर्क से वो मार्च कर रहा था जो दूसरे किंग को कॉन्क्वेस्ट करने के लिए। हिज लॉन्ग एरे का मतलब अपनी आर्मी के साथ में। स्टाउट ग्लोस्टर स्टूड अघास्ट इन स्पीचलेस ट्रांस मीन्स, ये सब चीज़ें हैं जो कर्सिंग थी
मीन्स इतना जो कैम्ब्रियाज टीयर्स, यहाँ तक जो कर्सिंग की थी पोएट ने, वो जो कर्स कर रहा था, वो सब का सब किसको सुनाई दिया? वो उस आर्मी को जो जा रहा था, मार्च पे जा रहा था अदर किंगडम को इन्वेड करने के लिए, तो उनको वो सुनाई दिया। तब वहाँ पे स्टाउट का मतलब स्ट्रोंग या ब्रेव, जो ग्लोस्टर, ग्लोस्टर कौन था? सन इन लो है एडवर्ड फर्स्ट का, वो वहाँ पे खड़ा हो गया जब उसने ये सब सुना। अघास्ट का मतलब जो डर गया, फिल्ड विद हॉरर, इन स्पीचलेस ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है अ मेंटल स्टेट बिटवीन स्लीपिंग एंड वॉकिंग, जहाँ पे पर्सन डजंट मूव, जहाँ पे अगर हमें कुछ ऐसे शॉकिंग न्यूज़ मिलती है तो हम क्या है, ब्लैंक हो जाते, कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं। तो वही सिचुएशन किसके साथ हुई? ग्लोस्टर के साथ हुई। टू आर्म्स मीन्स आर्म्स किसको बोला? आर्मी को, अपने सोल्जर्स को जोर से किसने बोला? क्राई किया मोर्टिमर। मोर्टिमर इज अ सेनापति ऑफ दैट वन एडवर्ड फर्स्ट। उसने जोर से चिल्लाया एंड काउस्ट हिज क्विरिंग लेंस। काउच मतलब जो बैठा हुआ था, किसके साथ में? क्विरिंग मतलब बहुत गुस्से में था, लेंस मतलब उसके पास में एक भाला था या फिर एक टूल था, एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे वो फाइट के लिए जा रहा था, तब उसके पास में थी वी कैन से। तो वो बहुत जोर से चिल्लाया अपने जब वो बैठा हुआ था वहाँ पे तब। सो दैट इज़ द फर्स्ट डेंजर। नाउ द सेकेंड वन इज दैट ऑन अ रॉक हुज होटी ब्रो। अब यहाँ पे इन दिस सेकेंड स्टेंजा थॉमस ग्रे इज शोइंग हाउ द पोएट लुक्स लाइक एंड वॉट ही सेज अबाउट किंग एंड किंगडम। सो ऑन अ रॉक, एक चट्टान पे, हुज होटी ब्रो मीन्स जिसकी, ब्रो का मतलब है जो टॉप पार्ट है हिल का, जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पे। फ्रोन्स ओवर कोल्ड ओल्ड कॉनवेज फॉर्मिंग फ्लड। वो बहुत गुस्से में था, कौन? जो पोएट था वो फ्रोन मतलब बहुत गुस्से में था। कहाँ पे था? कॉनवे एक रिवर है जो स्नोडॉन जो माउंटेन है उसके पास से जाती है। फॉर्मिंग फ्लड जहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लड आता है, फॉर्म मतलब एक झाग के रूप में, फॉर्म के रूप में, वहाँ पे वो बहुत गुस्से में था पोएट। रोब्ड इन द सेबल गार्ब ऑफ वू, रोब का मतलब जो उसने कपड़े पहने हुए थे, सेबल का मतलब है जो स्मॉल एनिमल विद थिक फर, ऐसे कपड़े पहने थे जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर थे, बहुत जैसे नहीं होता ठंड में, अगर हम इंग्लिश लोगों को देखें, इंग्लिश पीपल को देखें, तो वो लोग जो रोब पहनते, जो क्लोथ पहनते हैं कोल्ड में, तो वैसा ही सेम था गार्ब ऑफ वू। और एस वो वहाँ पे कैसे खड़ा था, बहुत सैड वहाँ पे खड़ा था पोएट। विद हैगार्ड आइज, हगार्ड का मतलब बहुत टायर्ड था, थका हुआ था, सैड था, द पोएट स्टूड वहाँ पे खड़ा हुआ था। अब उसका अपियरेंस कैसा था थॉमस ग्रे शोज इन दिस पोएम। लूज हिज बियर्ड मीन्स उसकी जो बियर्ड थी वो बहुत ऐसे थी कि सही से कॉम नहीं थी, अस्त व्यस्त थी, एंड हॉरी हेयर। इट शोज पोएट इज इन हिज ओल्ड एज, नॉट इन द मिडल एज वी कैन से। सो हॉरी मीन मतलब वाइट हेयर थे उसके। स्ट्रीम्ड लाइक अ मिट्योर, ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही थी जिसमें स्ट्रीम्ड का मतलब वो हवा के साथ में ऐसा लग रहा था जैसे मेट्योर की तरह हो, मेट्योर मतलब उल्का पिंड की तरह हो, बहुत तेज़ी से आया हो कहीं से। टू द ट्रबल्ड एयर मतलब बहुत तेज़ी से हवा बह रही थी, बहुत ज़्यादा ही उसकी साउंड भी आ रही थी एयर की, उस तरीके से था वो। यहाँ सिमली यूज हुआ है, एंड विद अ मास्टर्स हैंड अनप्रोफिट्स फायर।
वो बता रहा है कि वो क्यों सेव हो गया, वाई ही वॉज एस्केप्ड फ्रॉम दैट किलिंग, वो किलिंग से कैसे बच गया, बिकॉज उसके ऊपर मास्टर का हैंड था, मतलब सुप्रीम जो लॉर्ड है, जो गॉड है, उसका उसके ऊपर हाथ था, या फिर वरदान था वी कैन से, एंड प्रोफेट्स फायर, और प्रोफेट मतलब जीसस क्राइस्ट की का उसके ऊपर क्या था, आशीर्वाद था. स्ट्रक द डीप सोरो ऑफ हिज लायर, स्ट्रक मतलब जो बहुत स्ट्रक मतलब अटैक्ड, किसके स्ट्रक अटैक किया गया किसके द्वारा, डीप सोरो ऑफ हिज लायर मतलब जो उसकी लायर मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है यू शेप का, जिससे क्या है बहुत सैड सी धुन निकल रही थी वो बहुत. सो जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि जो उससे म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है, मैसेज क्या है, वो यहाँ पे वो शो कर रहा है कि हार्क, लिसन केयरफुली हाउ ईच जायंट ओक एंड डेजर्ट केव, कि कैसे जो जायंट ओक है, जायंट ओक मतलब ओक ट्री है, इट इज़ अ सिंबलाइज ऑफ कनेक्टेड टू थंडर एंड लाइटनिंग गॉड, जो लाइटनिंग गॉड है जू वी कैन से जूस, एंड डिजर्ट केव सिंबलाइज करती है क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन लाइक लाइफ एंड डेथ. तो ये क्या है, ये दोनों चीज़ जो हैं उनको शाई टू द टोरेंट्स ऑफ फुल वॉइस बीनीथ, जहाँ से जो म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा है उसमें क्या है, सैडनेस है, साए है. टोरेंट का मतलब है बोछार एक तरीके से, किसकी, ओ फुल वॉइस, बहुत सैड सी वॉइस वॉइस है, जो बहुत दुख है वहाँ से आहे निकल रही है. वो आहे किसकी है, वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है ओवर दी मीन्स टू दी मीन्स यू ओ किंग, देयर हंड्रेड आर्म्स दे वेव, देयर मीन्स जो गॉड है, जो प्रोटेक्टर है, उनके पास में हंड्रेड्स ऑफ आर्मी हैं, दे वेव, जब वो आएंगे तब वो क्या करेंगे, रिवेंज ऑन दी, तुमसे बदला लेंगे क्योंकि तुमने इनोसेंट लोगों को किल किया, मास मर्डर किया है, पोएट को मारा है, राइटर्स को किल किया है, इन हॉरेसर मरमर ब्रीद, हॉरेसर मतलब बहुत कर्कश सी, बहुत हार्स वॉइस में वो क्या कर रहा था, मरमर कर रहा था, ब्रीद, तुमसे क्या लेंगे, वो बदला लेंगे, वोकल नो मोर, जहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आएगी और ना ही अभी तक कोई भी आवाज़ उठी है, क्योंकि तुमने सब वॉइस को क्या कर दिया है, दबा दिया है, सिंस कैम्ब्रियाज फैटल दे, जब से क्या हुआ है, उस दिन से जब क्या हुआ था, कैम्ब्रिया का फैटल डे था, जब इनोसेंट लोगों को तुमने मारा था, तब से आज तक वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, टू हाई बॉन्ड होल्स हार्प, हॉल कौन है, पोएट है, फेमस बार्ड है, ही वॉज बॉर्न इन 1117. तो वो प्रिंस भी था वेल्स का, एंड क्या था, पोएट भी था, और सॉफ्ट लेलवेन ले, लेलवेन ऑल्सो अ किंग, लास्ट किंग ऑफ नॉर्थ वेल्स, हु वॉज मर्डर्ड इन 1282. 1282 में जब एडवर्ड फर्स्ट ने इन्वेड किया, तब किसको मारा था, लेलवेन को मारा था, और उस टाइम पे उन ही वॉज ऑल्सो अ पोएट, तो तुमने उन लोगों को, हाई बोर्न जो लोग थे, जो बहुत अच्छे लोग थे, इनोसेंट थे, और जो अपने लोगों का बहुत ध्यान रखते थे, उन सब को तुमने क्या कर दिया, उनका मास मर्डर कर दिया, और वो एक दिन तुम्हारा भी दिन आएगा जिस दिन तुमसे वो रिवेंज लिया जाएगा, तुमसे वो बदला लिया जाएगा. सो पोएट इज़ शोइंग दैट थिंग, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. नाउ द थर्ड स्टेंजा इज़ दैट, यहाँ पे वो हिस्ट्री बता रहा है कि कौन कौन विक्टिम रहे हैं एडवर्ड फर्स्ट के. वो बोलते कि कोल्ड इज़ कैडवेलोज टंग,
यहाँ पे जो कैडवेलो है उसकी जो टंग है वो भी कोल्ड हो गई, का मतलब है उसकी उसको भी मर्डर कर दिया, उसको भी मार दिया गया। कैडवेलो वॉज अ हीरो ऑफ ब्रिटेन एंड कोल्ड अ टायरेंट बाई नॉर्थम्ब्रियन, ही वॉज अ ब्रेव पर्सन। और ये जो इन्फॉर्मेशन ये कहाँ से मिलती है, एक्लिजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल बाई बेड, बेड ने लिखा है उसमें। और ही वॉज अ सेवेज, नो वन कुड बी स्पेयर्ड बाई हिम, मीन्स वो बहुत ही क्या था, एक तरीके से वी कैन से सेवेज पर्सन। सो वो भी क्या हो गया, कोल्ड हो गया, मतलब चुप हो गया। दैट हर्स्ट द स्टॉर्मी मेन, मतलब जिसने बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया था, चुप करा दिया था। हर एक जगह उसकी क्या थी, सेवेज के चर्चे थे, वो भी क्या हो गए, आज चुप हो गए। ब्रेव यूरिन स्लिप्स अपॉन हिज क्रैगी बेड, जो ब्रेव यूरिन, यूरिन वॉज ऑल्सो अ फेमस बार्ड जिसके जो वर्क्स है वो क्या है, प्रिजर्व नहीं किए गए। स्लीप्स, वो हमेशा सोता था किस पे, क्रैगी मतलब पथरीले बेड पे, मतलब बहुत इस दुनिया से अलग रहता था, जिसको किसी से लेना देना नहीं था। उसको भी तुमने क्या कर दिया, उसका भी मर्डर कर दिया। माउंटेन्स, जो कहाँ पे रहता था, माउंटेन पे रहता था। ये मीन्स लुक मोर्न इन वैन वेन, जिसके लिए क्या है, दुख मनाना भी क्या है, व्यर्थ है। मॉडरेट, मॉडरेट वॉल्स ऑल्सो अ पर्सन, और यहाँ पे मॉडरेट है, ये पर्सन बोरो किया है थॉमस ग्रे ने, कहाँ से, ऑर्थेरियन लिजेंड से। जो ऑर्थेरियन लिजेंड है, मतलब जो राउंड टेबल में एक पर्सन, जो ब्रेव पर्सन था, वो मॉडरेट मीन्स, यहाँ पे थॉमस ग्रे ने लिटरली वो लोगों को नहीं लिया है जिनको एडवर्ड ने किल किया या मर्डर किया, बट यहाँ पे वो लोग हैं जिन जिनका नाम चेंज कर दिया, फिर उनको हिस्ट्री से रिलेटेड बना दिया। हुज मैजिक सॉन्ग, ही वॉज ऑल्सो अ पोइट, तो उसके जो सॉन्ग है इतने ज़्यादा मेरेक्युलस थे कि ऐसा लगता था कि उनको सुनते ही जाए। मेड ह्यूज प्लिन लिमोन बो हिज क्लाउड टॉप्ड हेड, उसके सॉन्ग इतने ज़्यादा महान थे कि वो क्या करते थे, प्लिन लिमोन वॉज अ हाइएस्ट पॉइंट ऑफ कैम्ब्रियन माउंटेन इन वेल्स। वेल्स में जो है हाइएस्ट पॉइंट है वो क्या है, वो ये जगह है, इसको भी क्या है, झुका दिया था, जबकि ये क्या था, क्लाउड टॉप्ड हेड, मतलब जो बादलों को भी चूमती हो या बादलों तक जाती हो, क्लाउड तक जाती हो, इतने बड़े रॉक को भी क्या हो, झुका दिया हो जिसके सॉन्ग ने। वो इतना ब्रेव था, इतना मिरेकुलस पर्सन था, बार्ड था, और उसका भी तुमने क्या कर दिया, मर्डर करवा दिया। ऑन ड्रेरी एरवॉन्स शोर दे लाई, वो दे किसके लिए यूज हुआ, इन थ्री विक्टिम्स के लिए यूज हुआ है, कि ड्रेरी का मतलब होता है बहुत सैड से। एवरॉन रिवर है वहाँ, उसके शोर पे वो क्या होते थे, लेटे हुए रहते थे, जिनको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं था, और वो वहाँ पे अपनी ही दुनिया में रहते थे। बट यू आर द क्रूअल पर्सन एडवर्ड फर्स्ट, यू किल्ड देम। स्मियर्ड विद गोर, स्मियर का मतलब है एक धब्बा, स्टेन है, विद गोर, गोर का मतलब ब्लड का, एंड घासली पेल, मतलब ये तुम पे एक धब्बा है, घासली पेल मतलब तुम में इतना डर है कि तुम क्या हो, पीले पड़ गए हो एकदम से। फार फार अलूफ मीन्स, और जो डर है, जो तुमने पीपल लोगों में जो डर दिया है, वो क्या है, एनिमल्स पर भी शो हो रहा है, वो लोग भी डरे हुए हैं। लाइक फार, बहुत दूर, फार मतलब बहुत दूर, अलूफ का मतलब है अलग, बहुत दूर, अलग। एफ्राइटेड मतलब एक डरा हुआ, कौन है, रेवन, रेवन मतलब कोवा, क्रो, सेल, कहाँ पे, जो रिवर में सेल कर रहा हो, बोट में हो, वो भी क्या है, डरा हुआ है तुम्हारे उन सब चीजों से, तुम्हारी क्रुएलिटी से। द फेमिस्ट ईगल स्क्रीम, और ये जो डर का माहौल है वो क्या कर रहा है, ईगल को इनवाइट कर रहा है। फेमिस्ट क्या है, वो
हंग्री है वो ईगल स्क्रीम, जैसे उसकी चिल्लाहट से पता चल रहा, स्क्रीमिंग कर रहा है एंड पासिस बाई, वो क्या कर रहा है हैपन विदाउट बीइंग नोटिस्ड, जो क्या है वहाँ से गुजर रहा है बिना किसी को किसी के द्वारा नोटिस किए हुए। डियर लॉस्ट कंपेनियन ऑफ माई ट्यूनफुल आर्ट, कि अब वो क्या कर रहा है, रिमेंबर कर रहा है वो लोग जो उसके प्यारे थे, वो लोग जो बहुत इनोसेंट थे, वो बार्ड, वो पोएट, वो राइटर्स, उनको उसने खो दिया। किसने? पोएट ने। ऑफ माई ट्यूनफुल, माई ट्यूनफुल का मतलब जिनको सुनने पे मुझे खुशी मिलती थी उनको मैंने खो दिया। डियर, वो मेरे डियर थे। एज द लाइट दैट विजिट्स दीज सैड आइज, मीन्स एज द लाइट का मतलब जब भी मैं उनको याद करता हूँ तो मेरी आँखें भर आती हैं, मतलब मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। डियर एज द रूडी ड्रॉप्स दैट वॉर्म माई हार्ट, और वो लोग जिनको याद करने पे, रूडी का मतलब होता है रेड कलर, रेड कलर मतलब ब्लड, जो मेरा ब्लड है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है मेरे हार्ट में। कहने का मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा मन करता है कि तुम क्या हो जाओ, तुम्हारे लिए मेरे मुंह से बद्दुआ निकलती है, वी कैन से लाइक दैट। ये डाइड अमेडस्ट योर डाइंग कंट्रीज क्राइज, ये लुक, ये मतलब लुक, वो मर गए योर डाइंग कंट्रीज क्राइज, किसके बीच में, वो जो तुम्हारी जो कंट्री डाइंग हो रही है, मर रही है, मतलब तुम्हारे, तुम जो मास किलिंग कर रहे हो उनसे जो क्राइज है, जो उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही है, उनके बीच में वो लोग भी, उनकी भी डेथ हो गई, मतलब बिना किसी नाम के, बिना किसी फेम के वो भी लोग मर गए। यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है। नाउ सडन चेंज आया है यहाँ पे जो पोएट है उसके डायलॉग में, उसके एक्सप्रेशन में। सो वो क्या बोल रहा है, नो मोर आई वीप, अब इससे ज़्यादा मैं क्या नहीं करूँगा, वीप नहीं करूँगा। दे डू नॉट स्लीप, और वो लोग भी नहीं सोएंगे। किन के लिए? वो लोग जो बच गए हैं, अब जिनके मन में नफरत है एडवर्ड फर्स्ट के लिए, जो रिवेंज लेना चाहते हैं, उनके लिए यूज हुआ है। ऑन योंडर क्लिफ, क्लिफ्स अग्रेसली बेंड, किसके लिए बोला, रॉक के ऊपर जो चट्टान है उसके ऊपर वो खड़ा है, वहाँ बोल रहा, क्लिफ मतलब उस चोटी पे, अग्रेसली बेंड मतलब वहाँ से आवाज़ें आ रही, ग्रेसली मतलब बहुत भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही होगी। आई सी देम सिट, मैं उनको देख सकता हूँ बैठे हुए। दे लिंगर यट, वो क्या है, बहुत लंबे समय से क्या कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, डिले कर रहे हैं। एवेंजर्स ऑफ देयर नेटिव लैंड, एवेंजर मतलब जो बदला लेने वाले हैं, रिवेंज लेने वाले हैं, खुद के लैंड के लिए, खुद की भूमि के लिए लड़ने वाले हैं। विद मी इन ड्रेडफुल हार्मनी दे जॉइन, वो मेरे साथ में क्या करेंगे, ड्रेडफुल मतलब बहुत, जिन्होंने बहुत सफरिंग की है वो मेरे साथ में ज्वाइन करेंगे आर्मी, और वी विल रिवेंज टू यू, मीन्स फ्रॉम यू, लाइक एडवर्ड फर्स्ट से वो रिवेंज की बात कर रहा है। एंड वी विद ब्लडी हैंड्स द टिश्यू ऑफ दाई लाइन, और वो क्या करेंगे लास्ट में, एट द एंड वो लोग मेरी तरफ वेव करेंगे, अपने हाथ हिलाएंगे, कौन से हाथ, जो खून से सने हुए होंगे, वो खून किसका होगा, एडवर्ड फर्स्ट और उसकी जो आर्मी है उनसे। द टिश्यू ऑफ दाई लाइन, दाई मतलब योर, लाइन का मतलब जो तुम्हारा क्लैन है या तुम्हारी जो डायनेस्टी है पूरी, उससे उसको किल करके वो क्या करेंगे, वो जीत की खुशी बनाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। आई विल मेक टू मोर वीडियोज ऑन दिस फॉर्म बिकॉज दिस इज लॉन्गर वन। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।